सुरभि सिंह, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ पर। जी हां, आपको बता दें कि बिग बॉस का जो हर एपिसोड हर कोई देखता है और हर एपिसोड को पसंद किया जाता है, खासकर वीकेंड के वार को पसंद किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सलमान खान आके कई लोगों की बैंड बजाते हैं। लेकिन जब हमने वीकेंड के वार से पहले जो टास्क हुए थे, उसमें अभिजीत और रश्मि देसाई के बीच कुछ विवाद हो गया था। आप सबको पता है कि अभिजीत ने किस तरीके से आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया रश्मि को लेकर, और लोगों के अंदर ये गुस्सा फूटा कि आखिर अभिजीत एक लड़की को लेकर ऐसे शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब वीकेंड का वार हुआ तो सलमान खान ने सामने से आकर अभिजीत की बैंड बजाई, अभिजीत को काफी कुछ कहा। लेकिन यहाँ पर रश्मि देसाई को भी बहुत कुछ कहा गया। आपको बता दें कि रश्मि देसाई को भी सलमान ने उतना ही दोषी करा दिया जितना अभिजीत को किया। लेकिन जब रश्मि देसाई की बात आई, जब रश्मि देसाई को सामने से उतना ही दोषी करार दिया गया, तो लोगों का गुस्सा फूटा। फैंस ने सलमान खान को ट्रोल करना शुरू किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अभिजीत अगर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर रश्मि कैसे दोषी हो सकती है, रश्मि उस चीज में कैसे शामिल हो सकती है। जी हाँ, ये पहली बार नहीं है जब सलमान खान बिग बॉस की वजह से ट्रोल हो रहे हैं। इससे पहले भी कई बार सलमान खान को ट्रोल किया जा चुका है। शमिता शेट्टी की साइड लेने की वजह से भी सलमान खान बहुत बार ट्रोल हुए हैं। जी हाँ, यहाँ पर शमिता शेट्टी की बात लेकिन हो नहीं रही है। शमिता शेट्टी की वजह से तो सलमान खान हमेशा ही ट्रोल होते हैं, लेकिन इस बार रश्मि को दोषी करार देने के लिए और अभिजीत के साइड लेने की वजह से आपको बता दें कि सलमान को ट्रोल किया जा रहा है। सलमान को बताया जा रहा है कि अगर किसी लड़की के साथ इस तरह की बदतमीजी की जा रही है, इस तरह की बातें कही जा रही है, अगर कोई लड़की असहज महसूस कर रही है, वहां पे आप लड़की को भी दोषी करार दे रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। जी हाँ, तो आपको इसको लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।